हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस ग्रुप टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ऑटोकैड की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इस ऑटोकैड की सीरीज में हमने देखा कि हमारे इस सॉफ्टवेयर के लिए कौन से सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, इस सिस्टम के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हमारा ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर स्मूथली चले और यहाँ पर प्रॉपरली वर्क करे। यहाँ पर तो हमने देखा कि यहाँ पर कौन कौन से सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस यहाँ पर देखा कि हमारा जो ऑटोकैड है यहाँ पर किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। यहाँ पर हमने वो भी देखा। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कि जब हमारे पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, फिर उसके बाद यहाँ पर किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन से इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पर आज से हमारे वीडियो स्टार्टिंग हो चुके हैं जहां पर हम ऑटोकैड को यहाँ पर बिगनिंग से यहाँ पर एंडिंग तक देखने वाले हैं। यहाँ पर प्रॉपरली किस तरह से वर्क करता है, उसके अंदर कौन कौन से विंडोज होते हैं, कौन कौन से शॉर्टकट आइकन्स होते हैं, इसके साथ साथ कौन कौन से टूल्स बार होते हैं, इन सभी के बारे में हम बहुत ही ज्यादा डीपली स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, जब भी आप ऑटोकैड इंस्टॉलेशन करें, इंस्टॉलेशन के बाद में आपको किस तरह से इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में आपके पास यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर यूजर इंटरफेरेंस के रूप में, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली बात करें, जब आप ऑटोकैड इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो आपके पास ऑन करने के बाद, जब आपके पास ऑटोकैड का आइकन होगा जो होम स्क्रीन पर आ जाएगा, होम स्क्रीन के अंदर आने के बाद जब आप उसको ऑन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आइकन्स देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर आइकन्स देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये जो हमारे पास सबसे पहले है यूजर इंटरफेरेंस की जो विंडो है ये हमें किस तरह से देखने को मिलती है, और यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हमें यहाँ पर स्टडी करना है कि कौन कौन सी चीजें किस तरह से वर्क करती है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज इसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो भी एक एक पॉइंट्स होगा उन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पर किस तरह से कौन सा विंडो किस तरह से वर्क करता है, कौन सा आइकन किस तरह से वर्क करता है, क्या किस तरह से हेल्पफुल है, इसके लिए हम यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, चले ऑटोकैड के अंदर और देखते हैं, ऑटोकैड के थ्रू देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमें किस तरह से आइकन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ओके, तो ये हमारे पास आ चुकी है हमारी विंडो। इस विंडो के अंदर हमारे पास देखिए सबसे ऊपर ये आइकन के अंदर हमें ऑटोकैड देखने को मिल रहा है। इस ऑटोकैड को जब भी आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीका से विंडो दिखेगा। इस तरीके के विंडो का भी इंस्टॉलेशन होने देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं यूजर इंटरफेरेंस हमें किस तरह से देखने को मिलता है। तो देखिए, अभी हमारे पास ऑटोकैड स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास 2019 है। यहाँ पर 2019 को स्टार्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है हमारे पास विंडो। अब इस विंडो के अंदर बात करना चाहूँ कि विंडो के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी और किस तरह से यहाँ पर यूजेस होने वाली है, उस सभी के बारे में बताना चाहें यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर है हमारे पास गेट स्टार्टेड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपकी कोई भी ड्राइंग को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई न्यू ड्राइंग बनाना चाहते हैं, न्यू कोई स्टडी बनाना चाहते हैं, न्यू कोई आपके पास सीट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपकी न्यू ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो प्रॉपरली वर्क होने वाला है इस गेट स्टार्टेड से शुरू होने वाला है। गेट स्टार्टेड के थ्रू ही हम यहाँ पर अपनी जो विंडो है ऑटोकैड की, जो ओरिजिनल विंडो है जहाँ पर हम वर्क करते हैं, हमारा जो प्रॉपरली वर्क स्पेस है वहां पर हम इसे पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टेड विंडो स्टार्टेड ड्राइंग के थ्रू हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो गेट स्टार्टेड यहाँ पर किस तरह से वर्क करता है आपको पता चल चुका है। अब जरा बात करते हैं रिसेंट ड्राइंग या रिसेंट डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं आप इसे, तो ये किस तरह से वर्क करती है कि देखिए, यहाँ पर आपने ऑटोकैड के अंदर जो भी ड्राइंग बना रखी है वो सारी ड्राइंग जैसे जैसे आप सेव करते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास क्या होगी, रिसेंट ड्राइंग रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास सेव होती रहेंगी। फिर आप यदि इसको वापस ओपन करना चाहते हैं तो रिसेंट डॉक्यूमेंट के थ्रू आप इसे वापस ओपन कर सकते हैं, या फिर आप ओपन फाइल्स के अंदर भी जाके आप इसे ओपन कर सकते हैं। बट यहाँ पर रिसेंट ड्राइंग आपको बताई जाएगी कि आपने लास्ट वाली ड्राइंग को किस तरह से क्रिएट किया है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास अभी इतनी सारी ड्राइंग्स बनी हुई है, इन ड्राइंग्स का यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, प्रीवियसली यूज कर रखा है। यस, प्रीवियसली हमने ये सारी ड्राइंग्स बना रखी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिसेंट ड्राइंग के अंदर जो भी हमारे पास जो प्रीवियसली ड्राइंग्स है उन सभी को यहाँ पर दिखाया जाता है। बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है नोटिफिकेशन, आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आता है अपडेट के थ्रू या फिर कोई ऑटोकैड के थ्रू नोटिफिकेशन आता है तो वो सारा आपके थ्रू यहाँ पर मिलता रहता है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास अपडेट के थ्रू आ रखा है तो अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहता है, आपके पास 2020 का यहाँ पर नोटिफिकेशन आया तो 2020 का नोटिफिकेशन मिलता रहता है, और भी 2021 का नोटिफिकेशन आया तो वो सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर ऑटोकैड के थ्रू जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो सारे आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। बात करें कॉन्टैक्ट के अंदर, तो कॉन्टैक्ट के अंदर आपके पास क्या है, जैसे ही आप यहाँ पर ऑटोकैड को साइन इन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो भी अकाउंट को साइन इन कर रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू तो आपके पास यहाँ पर साइन इन हो जाएगा। बात करें यहाँ पर सेंड फीडबैक, तो आपके पास कोई भी फीडबैक है, आपका कोई भी फीडबैक हो ऑटोकैड के रिलेटेड तो आप यहाँ पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो बेसिकली बात करें यूजर इंटरफेरेंस के अंदर आपको इस तरह की विंडो देखने को मिलती है। विंडो के बाद जरा बात करें यहाँ पर, तो अभी हम यहाँ पर है
क्रिएट के अंदर है। क्रिएट के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो भी हम चीजें क्रिएट करना चाहते हैं वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो यहाँ पर है लर्न। लर्न के थ्रू आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में देखें यहाँ पर। तो देखिए लर्न के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे विंडो दे रखे हैं, बहुत सारे जिस तरह आप यहाँ पर ऑटोकैड को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पर आपके पास एक तरीके से लर्निंग दे रखी है कि किस तरह से यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है, किस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है, किस तरह से आपको उसको मॉडिफाई करना है, कौन सी टैक्सिंग लिखनी है, डायमेंशन क्या होती है, इन सभी के बारे में जो हम यहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं वो सब आपके पास ऑटोकैड के थ्रू यहाँ पर प्री डिफाइनली वीडियो दी जाती है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर लर्न कर सकते हैं, कुछ टिप्स ले सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो यहाँ उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर देखिए गेटिंग स्टार्टिंग वीडियो के थ्रू आपके पास बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइडेड है ऑटोकैड के थ्रू, तो ऑटोकैड के थ्रू जो वीडियो प्रोवाइडेड है आप उसे देख सकते हैं। बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर ये प्रॉपरली जो आपके पास ऑटोकैड है, ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उन्होंने अपने खुद के यहाँ पर वीडियो इंस्टॉलेशन कर रखे हैं बाय हेल्पिंग के लिए। जैसे कि आप कोई मोबाइल देते हैं तो मोबाइल के लिए अंदर भी आपके पास यहाँ पर हेल्पिंग वीडियो देखे होते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हैं उसके जो आपके पास कोई यूजर इंटरफेरेंस होता है जो आपके पास नहीं समझ में आता है तो आप क्या करते हैं उसकी हेल्पिंग विंडो के अंदर जाके आप उसको हेल्प के थ्रू देख सकते हैं। तो उसी तरह से ऑटोकैड के अंदर भी आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे ड्राइंग्स क्रिएट करने के लिए बहुत सारे आपके पास बार्स होती है, रिबन्स बार होती है, जैसे हमारे पास बहुत सारी रिबन्स बार देखेंगे हम यहाँ पर, तो वो सारी बार्स का हम किस तरह से यूज की जा सकते हैं ऑटोकैड के खुद यहाँ पर विंडो के अंदर यहाँ पर काफी वीडियो है जिनको आप देख सकते हैं। बिजी बात का है तो यहाँ पर देखिए आपके पास लर्न टिप्स है जिसके थ्रू आप यहाँ पर लर्न कर सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन सोर्सेज है जिसके थ्रू आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आपकी कोई भी चीज हो यहाँ पर ऑटोकैड से रिलेटेड तो ऑनलाइन रिसोर्सेज के साथ आप क्या कर सकते हैं इसको सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से नई चीजें आ रखी है वो यहाँ पर आपके पास दिखा जाएगी, कौन कौन से वीडियो अभी नई इंसेंट आए हुए हैं तो व्हाट्स न्यू आएंगे। तो बेसिकली बात की जाए तो हमारा जो प्रॉपरली वर्क होने वाला है इसी वर्क होने वाला है, क्रिएट के अंदर होने वाला है। और इसके अंदर बात की जाए तो स्टार्टिंग ड्राइंग के अंदर हम यहाँ पर ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे और वहीं से हमारा प्रॉपरली वर्क स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब जरा देखते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ पर देखिए गेटिंग स्टार्टेड करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आएंगे। देखिए टेम्पलेट्स होती क्या चीज है, देखिए आप जिस ऑटोकैड के ऊपर वर्क कर रहे हैं ऑटोकैड के ऊपर जैसे ही वर्क करेंगे तो आपके लिए एक नई ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी। नई ड्राइंग के लिए आपके पास एक विंडो स्टार्ट होगी, उस विंडो के अंदर आप जो ड्राइंग ले रहे हैं वो ड्राइंग के थ्रू आप यहाँ पर किस तरह से वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। जैसे यहाँ पर बात करना चाहे तो यहाँ पर आपके पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट बहुत सारे हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर उसके ऊपर वर्क करते हैं, वर्क करके आप उसे यहाँ पर अपने पास एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली बात की जाए तो हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, ये टेम्पलेट्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं जिसका हम यूज करने वाले हैं। जैसे कि मैं बात बताना चाहूंगा ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं, ऑटोकैड के अंदर देखिए यहाँ पर टेम्पलेट्स है, इस टेम्पलेट्स के अंदर हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने मिलते हैं। जो आपको पास टेम्पलेट आपको चूज करना है, जिस टेम्पलेट्स के ऊपर आपको वर्क करना है वो टेम्पलेट आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट्स होगा वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से टेम्पलेट्स होते हैं, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर दो तरीके की यूनिट यहाँ पर डिस्कस की जाती है। पहली यूनिट की बात करूंगा यहाँ पर तो पहले है इंपैरेलल यूनिट सिस्टम, दूसरी हमारे पास बात करना चाहूंगा यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास है मैट्रिक यूनिट सिस्टम। देखिए बात करें इंपैरेलल यूनिट सिस्टम क्या होती है, तो इंपैरेलल यूनिट सिस्टम आपके पास जो प्रीवियसली से यहाँ पर प्रीवियस ईयर से जो चलती हुई यूनिट्स आ रही है, जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा फिट इंचेस के अंदर जो है आपके पास वर्क डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आपके पास यदि कोई हाउस मैपिंग चल रही है तो आपके पास वो फिट या इंचेस के अंदर चलती है। क्लियर, तो ये आपके पास जो प्रीवियसली ईयर से जो आपके पास पुराने सालों से जो भी आपके पास यूनिट चलती आ रही है उसको हम इंपैरेलल यूनिट्स बोलते हैं। और ये बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है मैट्रिक यूनिट्स। तो मैट्रिक यूनिट्स क्या है, हमारे पास जो भी रिसेंटली यूनिट्स है जो अभी चल रही है जैसे मिलीमीटर्स हो गया आपके पास, सेंटीमीटर्स हो गया, यहाँ पर जो आपके पास छोटी छोटी यूनिट्स होती है वो सारी आपके पास किस में आती है, मैट्रिक यूनिट्स में आती है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास दो यूनिट्स हो गए, यूनिट के बारे में बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस करने वाले हैं यूनिट के बारे में, यूनिट किस तरह से हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए यूनिट से ही हमारी प्रॉपरली डिजाइन होने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ वर्क आप सेंटीमीटर में करेंगे, कुछ मीटर्स में करेंगे, कुछ इंचेस में करेंगे, कुछ फीट्स में करेंगे, और बात की जाए तो यहाँ पर कुछ तो आपको मिलीमीटर्स में भी करने वाले हैं। तो बेसिकली बात की जाए तो आपके पास जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप यहाँ पर ड्राइंग बनाते हैं और उसके लिए आप यहाँ पर अलग अलग यूनिट चूज करते हैं। तो जैसे आप यूनिट चूज करेंगे वो हम एक प्रॉपरली बहुत ही अच्छे ढंग से वीडियो में समझेंगे कि यूनिट क्या चीज होती है, किस तरह से वहां पर यूज की जा सकती है, उसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है, और हमारे ऑटोकैड के लिए यूनिट किस तरह इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसके अंदर हम बहुत ही ज्यादा डीपली डिस्कस करने वाले हैं। बात करें यहाँ पर टेम्पलेट्स के बारे में तो यहाँ पर हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं फर्स्ट टेम्पलेट के बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एड नेम प्लॉट स्टाइल DWT है। अब जरा देखिए बात करें DWT का मतलब, तो DWT का मतलब है यहाँ पर डॉट एक्सटेंशन है। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे आप कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो मूवी आपके पास किस में होती है, डॉट MVA में होती है, यस, या फिर बात करना तो HD में होती है,
या फिर बात करना चाहूंगा एवीआई में होती है, या बात करें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में तो स्ट्रॉन्ग के लिए डॉट MP3 होता है, या फिर बात करना चाहूंगा पीडीएफ के लिए तो डॉट PDF होता है, या फिर बात करें यहाँ पर बात करना चाहूंगा यहाँ पर PPT के लिए तो डॉट PPT होती है यहाँ पर। तो बेसिकली बात की जाए सबके लिए एक एक्सटेंशन होता है, आपके पास कोई भी फाइल पर आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक डॉट एक्सटेंशन होता है। उसी तरीके से आप ऑटोकैड के अंदर कोई भी फाइल बनाते हैं, यहाँ पे कोई भी ड्राइंग्स बनाते हैं, उस ड्राइंग को सेव करते वक्त आपके पास जो डॉट एक्सटेंशन के रूप में आता है वो आता है DWT। यस, DWT आता है यहाँ पर। DWT आपको बताता है यहाँ पर आपने जो फाइल बनाई है वो यहाँ पर ड्राइंग फाइल है, और यहाँ पर आपने जो वर्क किया है वो सारा का सारा वर्क आपके पास ड्राइंग फाइल में। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर इसको फाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करना चाहें यहाँ पर कि आपके पास यदि आप डॉक्स फाइल में बनाते हैं कोई, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई फाइल बनाता हूँ तो वो आपके पास डॉक्स फाइल में होती है, आप उसे आप PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यस PPT में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपके पास जो ड्राइंग फाइल है उस ड्राइंग फाइल को आप यहाँ पर PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करें हम यहाँ पर देखेंगे 3D जो ड्राइंग्स होती है, वो जो 3D ड्राइंग्स होती है आप उसे 3D आप इंप्लीमेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 3D स्ट्रक्चर्स को आप यहाँ पर बनाने के लिए 3D मशीन्स आती है, वहां पर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर DWT आपके पास क्या है, डॉट एक्सटेंशन के रूप में यूज होता है। अब जरा बात करें यहाँ पर, देखिए आपने मैंने यहाँ पर बता रखा है कि आपके पास दो तरह की यूनिट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इंपैरेलल यूनिट के बारे में हमने समझा, इंपैरेलल यूनिट क्या होती है, जो आपके पास फीट और इंचेस के अंदर वर्क करती है। अब जैसे बात करें यहाँ पर जो टेम्पलेट्स होते हैं, वो टेम्पलेट्स आपके पास अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सबसे पहला टेम्पलेट्स है यहाँ पर ACAD नेम प्लेआउट स्टाइल डॉट DWT, ये आपके पास क्या करता है, आपके पास इंपैरेलल यूनिट पे वर्क करता है, प्लस यहाँ पर आपके पास प्रिंटेड जो होगा यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट में होने वाला है। बात करें हमारे पास दूसरा यहाँ पर है यहाँ पर, तो नेम प्लॉट स्टाइल 3D DWT। जैसे कि मैंने आपको इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताया था कि आपके पास यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर आपके पास जो वर्क होता है वो 2D और 3D दोनों में वर्क होता है। आप यहाँ पर 2D ड्राइंग्स बना सकते हैं, 2D ड्राइंग्स का मतलब क्या है, यहाँ पर मैपिंग बना सकते हैं। 3D ड्राइंग्स के अंदर बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 3D ड्राइंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां पर वो रिजिड बॉडी बनाते हैं, कोई भी तरीके की बॉडी बनाते हैं वहां पर, या फिर मैं बात करना चाहूंगा कोई भी आप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो वो 3D में बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। तो 3D के लिए वर्क करते हैं तो 3D में भी आपके पास यूनिट्स होती है, इंपैरेलल यूनिट्स होती है या फिर मैट्रिक्स यूनिट होती है। तो इंपैरेलल यूनिट्स होती है तो यहाँ पर डॉट यहाँ पर ACD यहाँ पर यूज करेंगे, डॉट नेम प्लेट 3D का यूज करेंगे, तो वो भी आपको क्या मिलेगी यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट में मिलने वाली है। क्लियर? बात करें यहाँ पर देखिए CAD यहाँ पर ACAD यहाँ पर डॉट DWT यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो टेम्पलेट्स है वो केवल और केवल यहाँ पर क्या होगा, इंपैरेलल होने वाला है, और यहाँ पर प्रिंटेड जो होगा कलर में होने वाला है। इससे पहले हमने देखा बहुत सारे किस्में थे, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड थे यहाँ पर, लेकिन अब जो प्रिंटेड होगा वो यहाँ पर व्हाइट प्रिंटेड भी कर सकते हैं, आपके पास कलर प्रिंटेड भी कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर देखिए आपके पास जो अगली यूनिट्स है यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, फीट और इंचेस के अंदर लेंगे, प्लस यहाँ पर आपके जो प्रिंटेड कलर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, कलर प्रिंटेड होने वाला है। तो उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स होती है, इन सभी की यूनिट्स के बारे में यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे ढंग से शो कर रखा है, इसकी आपको यहाँ पर PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जिस तरह आपको यहाँ पर जो भी आपको यूनिट करनी है यूज करनी है आप वो यूनिट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर इनडेप्थ यहाँ पर आपको सारा कुछ बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर सबकी यूनिट के बारे में जो भी आप यहाँ पर टेम्पलेट्स यूज करें उन सभी टेम्पलेट्स के बारे में यहाँ पर प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन दिखा हुआ है, जिसका आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हम यहाँ पर ड्राइंग के अंदर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको यहाँ पर बताता रहूंगा कि आपके पास कौन सी टेम्पलेट किस तरह से आपको यूज करनी है। क्लियर? जैसे हम यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली ये जो ड्राइंग्स होती है ये ड्राइंग्स आपके लिए जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट यूज करते हैं, जैसे आप बड़ी मैपिंग को यूज करते हैं तो आप यहाँ पर उस बड़ी मैपिंग को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर एनोटेशन विंडो को यूज करते हैं। बात करनी चाहिए यहाँ पर तो आप यहाँ पर मैपिंग बना रहे हैं तो आपके पास फीट और इंचेस के अंदर वर्क करेंगे तो आप इंपैरेलल यूनिट्स को यूज करते हैं। बात करें आप छोटे से स्ट्रक्चर्स को बनाना चाहते हैं या छोटे छोटे वर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैट्रिक्स यूनिट्स को यूज करते हैं। क्लियर? तो वहां पर आप कौन कौन सी टेम्पलेट्स को यूज करने वाले हैं वो सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर बेसिकली वर्क करा जाए तो आपके पास प्रॉपरली वर्क आपके पास किसमें होने वाला है, यूनिट के ऊपर वर्क होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी यहाँ पर आपको दिख रही है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या होती है, टेम्पलेट्स होती है, और वो आपको कहाँ मिलती है, इस टेम्पलेट्स विंडो के अंदर मिलती है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट्स बना सकते हैं। बात की जाए ऑटोकैड के अंदर आप यहाँ पर ड्राइंग के लिए यहाँ पर आप ड्राइंग फाइल बना सकते हैं, प्लस बात की जाए यहाँ पर आप शीट भी क्रिएट की जा सकती है। शीट का बेसिकली यूज किया जाए मतलब बताना चाहूंगा यहाँ पर, तो आपके पास बहुत सारी ड्राइंग्स होती है, उन ड्राइंग्स को कंबाइन करके आप एक प्रॉपरली एक शीट के अंदर वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शीट का यूज कर सकते हैं। देखेंगे हम हमारे वीडियो के अंदर कि किस तरह से शीट भी क्रिएट की जा सकती है, शीट के अंदर किस तरह से वर्क किया जा सकता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हमने देखा हमारे पास जो यूजर इंटरफेरेंस होता है उस यूजर इंटरफेरेंस के अंदर गेट स्टार्टेड के थ्रू हम यहाँ पर ड्रॉइंग को स्टार्ट करते हैं। रिसेंट ड्रॉइंग के अंदर हमारे पास जो भी हमारे पास वर्क कर रखा है प्रीवियसली वो सब यहाँ पर देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन के अंदर बात की जाए तो नोटिफिकेशन के अंदर जो भी आपके पास विंडो के अंदर नोटिफिकेशन आती जाती है, ऑटोकैड के अंदर जो भी आपके पास रिसेंट नोटिफिकेशन आती है वो सब आपको पास यहाँ देखने मिलती है। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग ड्राइंग के अंदर स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से विंडो देखने को मिलेगी और प्रॉपरली हम इसी विंडो के अंदर वर्क करने वाले हैं।
अब देखिए इस विंडो के अंदर आपके पास कौन कौन सी बार्स होती है। देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारा व्यूज दिख रहा होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर एक और बार दिख रही है, यहाँ पर सेकंड और दिख रही है, यहाँ पर प्रॉपरली ये दूसरी और भी दिख रहा है, यहाँ पर ये आपके पास वर्ल्ड क्यूब दिख रहा है, आपके पास बीच में क्रॉस ओवर दिख रहा है, यहाँ पर बात करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है, पीछे आपको ग्रिड दिख रहा है, बात की जाए सबसे नीचे आपके पास स्टेटस बार दिख रही है। स्टेटस बार में देखा जाए तो आपके पास बहुत सारे आइकन्स दिख रहे हैं। तो ये सारे वर्क आइकन्स के बारे में हम प्रॉपरली स्टडी करने वाले हैं। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर कौन सा आइकन किस तरह से वर्क करता है ऑटोकैड के अंदर और उसका शॉर्टकट कमांड क्या है, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर प्रॉपरली डिस्कस किया जाएगा। तो क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर हमारे पास कौन कौन सी टेम्पलेट्स होती है, यूजर इंटरफेरेंस किस तरह से देखने को मिलता है, ऑटोकैड स्टार्ट करने के बाद हमें किस तरह से देखने को मिलता है, यस होम स्क्रीन आइकन से यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद हमें किस तरह से यहाँ पर दिखता है, आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।